गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर फर्स्ट द एनवायरनमेंट। क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एफ आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। और हमें जो एफ क्वेश्चन नंबर है उसके 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस आंसर्स को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। यह क्लास 7th के पार्ट 3rd है। इसके पहले हम पार्ट 2 और पार्ट 1 को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको ग्रुप में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इसको नोट करना है और आपको प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ एटमॉस्फेयर। हम इसमें बताना है कि एटमॉस्फेयर जो है वातावरण वायुमंडल का है, जो उसका मेन वर्क क्या है। तो इसका आंसर है द एटमॉस्फेयर। डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इन डिटेल, सो थोड़े से ये थोड़े से बड़े हैं, पर आपको इनको नोट करना है और आपको लर्न करना है। और आपको हम समझा रहे हैं, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है, तो आपको बता दिया जाएगा, आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एटमॉस्फेयर इज द बॉडी ऑफ एयर। जो एटमॉस्फेयर है एक बॉडी है, किसकी? एयर की, अर्थात वायु की। विच सराउंड अवर प्लैनेट, जो हमारा प्लैनेट है विच इज अर्थ, इसके सराउंड अर्थात चारों ओर प्रेजेंट है। एंड द मेन वर्क ऑफ एटमोसफियर, और जो उसका मेन वर्क है इज द एटमोसफियर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो सन से जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आते हैं हमारे अर्थ पर, उनसे हमारे लिए प्रोटेक्ट करती हैं। हमें प्रोटेक्ट करता है क्या? एटमॉस्फेयर। एंड रेगुलेटेड हीटिंग, और रेगुलेट करता है हीट को। एंड प्रोवाइड बाय द सन, जो कि सन से हमें हीट प्रोवाइड कर हो रही है उससे उसको बचाता है और निश्चित रूप से रेगुलेट करता है उसको। फिर और इसमें पॉइंट है कि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नेचुरल बाय ओजोन एग्जिस्टिंग इन द स्ट्रेटोस्फीयर। जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो समताप मंडल है, उसमें जो ओजोन प्रेजेंट है उससे हमें वह ओजोन जो अर्थ से, जो सन से हमें यूवी रेज आती है उनसे प्रोटेक्ट करती है, जिससे हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है वह इंक्रीज नहीं हो पाता है और सन से आने वाली यूवी किरणें हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। यदि यह ओजोन परत ना होती तो हमारे लिए जो सन से यूवी रेज आती हैं वे हमारे अर्थ पर डायरेक्ट आ जाती, जो हमारे लिथोस्फीयर तक पहुँच जाती, जिससे हमारी बॉडी में स्किन कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। नाउ सेकेंड फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन काज स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस क्या कहलाता है? जो ह्यूमन के द्वारा जो स्पेस है अंतरिक्ष में जो कचरा फैलाया जाता है, जैसे कि हम इंसान जिस भी किसी भी सैटेलाइट को हम अंतरिक्ष में भेजते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड रहता है। जैसे किसी भी अंतरिक्ष में, जैसे आपने अभी मूवी आई थी मंगल मिशन, तो मंगल मिशन आपने मूवी देखी होगी, तो उसको भेजा गया था तो यह कहाँ पर पहुँच गया? मंगल के ऑर्बिट में पहुँच गया, तो जो अंतरिक्ष में पहुँच गया, तो जब उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, जब वह ख़राब हो जाएगा तो वह कचरा बन जाएगा, तो वह कहलाता है स्पेस डेब्रिस। तो इस स्पेस डेब्रिस की वजह से टू ट्रैप हीट टू मेक अवर अर्थ आ कंफर्टेबल टेम्परेचर, और यह हीट को ट्रैप कर लेती है और अर्थ के टेम्परेचर को एक कंफर्टेबल टेम्परेचर बना देती है। नाउ मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज लिथोस्फीयर हेल्पफुल टू ह्यूमन बींग। जो लिथोस्फीयर है वह कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए? द लिथोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज लार्ज रिजर्वायर ऑफ रिसोर्सेज। लिथोस्फीयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि लार्ज, क्योंकि इस यह एक रिसोर्सेस है, मतलब लिथोस्फीयर से हमें बहुत प्रकार के तत्व मिलते हैं, एलिमेंट मिलते हैं, विच आर सो यूजफुल टू मैन। द मेजोरिटी ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट विच मैन रिक्वायर आर सप्लाइड बाय लिथोस्फीयर। फर्स्ट पॉइंट इज द लिथोस्फीयर सर्व एज अ सोर्स ऑफ मिनरल। जो लिथोस्फीयर है यह सर्व करती है एक सोर्स ऑफ मिनरल्स के तौर पर। द मिनरल्स सप्लाई द बेसिक मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग आ वेराइटी ऑफ कमोडिटीज विच मैन यूज डेली। जो रिक्वायर जो मटेरियल मिलता है, जैसे हमें सोना चांदी लोहा तांबा, यह हमें मिलता है किससे? लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर मीन्स लैंड से, अर्थात धरती से। तो वह हमारे वेराइटी ऑफ कमोडिटीज, अर्थात वेरियस प्रकार से हम उसका यूज़ करते हैं। द लिथोस्फीयर इज ऑल्सो द मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल। इससे हमें लिथोस्फीयर से बहुत प्रकार के सोर्स मिलते हैं फ्यूल के, अर्थात जैसे हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है,
सच एज कोल, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस भी हमें मिलती है। विदाउट दिस फ्यूल ह्यूमन लाइफ एज वी नो इट्स टुडे वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। इनके बिना आज की जो हमारी ह्यूमन बीइंग है वह उनका जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म एनवायरनमेंट एंड इट्स मेजर कंपोनेंट। हमें एक्सप्लेन करना है टर्म एनवायरनमेंट को कि एनवायरनमेंट वर्ड क्या है और इट्स मेजर कंपोनेंट्स की इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो आंसर है द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव, जो वर्ड एनवायरनमेंट है यह डिराइव हुआ है अर्थात बना है फ्रॉम फ्रेंच वर्ड से, फ्रेंच वर्ड से। यह आपको बुक के फर्स्ट पेज पर ही यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। ओके तो यह सराउंड जो कि फैला हुई है फ्रेंच वर्ड से, विच मीन्स इसका मतलब है टू सराउंड अर्थात हमारे चारों ओर जो कि प्रेजेंट है। दस द सम ऑफ टोटल ऑफ अवर सराउंडिंग, जो हमारे चारों ओर टोटल सराउंडिंग है एंड देयर प्रेजेंट कंडीशन में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, और यह कंडीशन में भी आर्टिफिशियल हो सकती है और नेचुरल हो सकती है। अब इसके कॉम्पोनेंट डिस्कस करेंगे कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कौन कौन से। द कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट आर नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द मैनमेड। दो कंपोनेंट होते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है और एक मैनमेड एनवायरनमेंट होता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के कौन कौन से टाइप हैं, एबायोटिक और बायोटिक, और जो मैनमेड हैं इसके कौन कौन से हैं, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट डेवलप बाय द मैन, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज। बिल्डिंग को इंसान बनाते हैं, रोड को इंसान बनाते हैं, ब्रिज को इंसान बनाते हैं, इसलिए यह मैनमेड एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। नाउ मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इलुसिडेट दैट द प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। हमें इसमें विवरण करना है कि प्लांट और एनिमल जो हैं यह कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो आंसर है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस इज मस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। यह जीने के लिए, प्लांट जीने के लिए इंसान पर निर्भर है और इंसान जीने के लिए प्लांट पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि प्लांट हमारे लिए रहने के लिए शेल्टर अर्थात एनिमल को रहने के लिए प्रोवाइड करती है जगह और छाया, और फूड्स मिलते हैं हमारे लिए, ऑक्सीजन मिलती है प्लांट से। क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है जिसको हम इनहेल करके हम जीवित हैं। When animal die, और यदि हम कहें कि animal कैसे plant के लिए useful है, तो animal जब मर जाता है अर्थात when animal die they decompose, या decompose हो जाता है अर्थात यह सड़ गल के खाद बना लेता है, become natural animal for nutrients। तो इससे plant को nutrients मिलते हैं, pollination animal करता है। animal के बीच में जैसे word ले लें हम, जिसको यदि butterfly ले लें, honey bee ले लें, तो honey bee pollination के लिए बहुत important होती है। And seed dispersal। Now move on last question, which is fifth question. Students, fifth question is the last question of your chapter first. Now question is how does mankind influence the environment? जो man है, जो how does mankind अर्थात जो इंसान है वह कैसे प्रभावित करता है environment को? Now answer is ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन इम्पैक्ट करता है किस पर? एनवायरनमेंट पर अर्थात पर्यावरण पर। ह्यूमन इम्पैक्ट द फिजिकल तौर पर एनवायरनमेंट को इन मैनी वेज, कई प्रकार से। ओवर यदि पॉपुलेशन बढ़ती है तो एनवायरनमेंट को इफेक्ट पड़ता है। पॉपुलेशन एनवायरनमेंट, इंसान यदि पॉल्यूशन बढ़ा देता है तो उससे भी एनवायरनमेंट प्रभावित होता है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल, बर्निंग अर्थात जिससे फॉसिल फ्यूल को जलाना, उससे एनवायरनमेंट को। डिफॉरेस्टेशन अर्थात जो फॉरेस्ट को काटे जाते हैं, पेड़ों को काट दिया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। इससे हमें एनवायरनमेंट पर फर्क पड़ता है। चेंजेस लाइक दिस है ट्रिगर्ड, जो ये चेंज हो रहे हैं ये ट्रिगर्ड करता है अर्थात उत्तेजित करता है क्लाइमेट को टू चेंज सॉयल एरोजन। सॉयल एरोजन मतलब क्या होता है? जो हम देखते हैं जो माउंटेन होते हैं बड़े बड़े, जब ऐसे यहाँ पर बरसात का पानी गिरता है तो यहाँ की जो सॉयल है ये धीरे धीरे बहती हुई नीचे आ जाती है, तो यह ऐसे 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 सॉयल बहती जाती है, तो यह क्या कहलाता है? सॉयल एरोजन कहलाता है। पुअर एयर क्वालिटी, और इससे क्या होता है मैन के इतने सब पॉपुलेशन बढ़ाने से, पॉल्यूशन बढ़ाने से, बर्निंग फॉसिल फ्यूल के, डिफॉरेस्टेशन से, इससे क्या होता है? एयर की क्वालिटी बिल्कुल लो हो जाती है एंड अनड्रिंकेबल वाटर भी खराब हो जाता है। सो दिस इज योर थर्ड लेक्चर। तो आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप उसको ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स।